सरेंडा पीडब्ल्यूडी सड़क बन रही है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, क्योंकि इस रोड के लिए काफी लोगों ने आंदोलन किया, आज ये रोड बन रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे ये पोड़ाहाट का एरिया हो या सरेंडा का वन, यहाँ पर कई बेरोजगार हैं। आज भी अखबार में प्रमुखता से छपा है कि यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। खासकर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ की बच्चियां पलायन कर बाहर जाती है काम करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन मांजने के लिए दिल्ली बॉम्बे तक का सफर तय करती हैं। तो क्योंकि यह हमारा बिहार क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में भी कुछ अच्छे स्कूल कॉलेजेस का निर्माण हो, साथ ही इन लोगों के लिए रोजगार का भी अवसर उन्हें मिले, क्योंकि यह वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र बंद होने के कारण कई सारे वन उपज हैं, तो क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह लगा करके इनको, इन्हीं के गांव घर में इनको रोजगार दिया जाए। इसके साथ ही क्योंकि हम लोग आज जा रहे थे तो कई जगह हम लोगों को ट्रेन रोक, कई जगह हम लोगों को रोक दिया है, इसमें मनोहरपुर सबसे महत्वपूर्ण है। मनोहरपुर के हमारे पत्रकार भाई भी हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि मैडम बोल दे। बिल्कुल, मनोहरपुर, गोयलकेरा, पोसैता, सोनवा, इन सभी पीडब्ल्यूडी रोड पर यह ओवरब्रिज का निर्माण हो ताकि यात्रा जो है वो सुगम हो सके। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर मैंने बनग्राम का जिक्र किया, बनपट्टा लोगों को मिला है, बहुत से गांव के लोगों को बनपट्टा मिला है, लेकिन अब भी कई ग्रामीण जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। सरंडा के कई गांव के लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं कि उनके गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, कई बार आवेदन भी दिया है। मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करूंगी कि उन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए ताकि वहां भी ये सरकारी योजनाएं पूर्णता पहुंच सके, कोई बाधा वहां तक ना आए और उनको वो लाभ मिल सके। आज गुदड़ी से भी कई हमारे लोग आए हैं, गुदड़ी आनंदपुर जो सुदूर क्षेत्र है, सुदूर प्रखंड है, वहां कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि वहां नेट कनेक्शन नहीं हो पाता है, उसके वजह से बैंकिंग हो या फिर अन्य ऑनलाइन सुविधाएं उन लोगों को समय नहीं मिल पा रही है। कल ही मुझे आनंदपुर से एक लड़के ने फोन किया कि मैडम हमने एक महीने पहले आवेदन दिया था, आज तक वो बना नहीं है, मेरा आय प्रमाण पत्र नहीं बना है ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी। तो ऐसी समस्याएं होती हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। और इसके साथ ही मैं अपने बातों को समाप्त करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने जो अभी हाल में निर्णय लिया है 1932 का खतियान बिल्कुल हो, लेकिन हमारे 64 के जो खतियानधारी हैं उनका भी उसमें समायोजित हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।